हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी लेखपाल की टोहो की टेस्ट सीरीज़ में। जैसा आपको पता है, हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है यूपी लेखपाल की घटना चक्र से। तीन टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने अभी तक बाकी तीन टेस्ट नहीं दिए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप स्टार्टिंग के तीन टेस्ट दीजिए, मैंने प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 4। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो का एंड तक देखना, और एंड में लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आपका स्कोर कितना बनता है आउट ऑफ 100, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं मैथ्स नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैथ्स कराने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और मेरा भी, और दोनों का ही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 जून को लेखपाल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैथ्स आप अपने आप करना, उसके बाद अपना 100 में से आपका कितना स्कोर बनता है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट हिंदी का है, हिंदी के बाद मैथ्स आता है, तो मैथ्स तो मैं कराऊंगा नहीं, तो हिंदी के बाद डायरेक्ट अपन जीएस स्टार्ट करेंगे, और जीएस के बाद ग्रामीण समाज परिवेश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। इसका मतलब इसमें आपसे पूछा है कि ये जो सेंटेंस है इसमें एरर किस जगह है। तो देखिए, आप सेंटेंस बनाएंगे, विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, तो खेलने की नहीं होगा, खेलने का होगा, विद्यालय में खेलने का उत्तम प्रबंध है, यानी बी में आपका एरर होगा। नेक्स्ट है, वह खा रहा था, वाक्य में कौन सा काल पूछा है। तो देखिए, भूत भविष्य तो वो पूछेगा नहीं, उसके पार्ट्स पूछेगा। देखिए, इसमें पूछा है पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध या सामान्य है, तो ये आपका अपूर्ण भूत है। क्यों? क्योंकि देखिए, वह खाना खा रहा था, वो उसने खाना कोई वो जो काम टास्क कर रहा था, काम कर रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल रहा था, अपूर्ण था, इसलिए ये अपूर्ण भूत काल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। तो देखिए, इसमें संबंध होगा, अगर आपने कर्ता वो कारक पढ़े होंगे तो आपको आठों के आठों कारक याद होंगे, समझ में होंगे, देख समझ सेंटेंस से समझ में आता है कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा शांत हो जाना। तो काटो तो खून नहीं का मतलब होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। नेक्स्ट है, देवता का पर्यायवाची नहीं है, देखिए इसमें पूछा है नहीं है, निर्जर, त्रिदश, किंकर या गिवाण। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किंकर। किंकर इसका नहीं होगा, किंकर पर्यायवाची होता है आपका दास, नौकर, सर्वेंट। नेक्स्ट पूछा है आपसे, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आतर्व। तो इसका होगा आर्जव, कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, निर्भय, निर्दय, निर्मम या निहृदय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे बोलते हैं निर्मम। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द छाटिए, चार शब्द दिए हुए हैं आपके, इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, यानी स्पेलिंग सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, तख्त या तख्तात, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तख्त या चारपाई, कुर्सी या मेज, शान से रहना या भूखा मरना, या दोनों स्थिति में लाभ। तो इसका आंसर होगा शान से रहना और भूखा भूखो मरना। ठीक है, या तो शान से रहिए या भूखे मरिए, तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट पूछा आपसे, दक्षिण का विलोम शब्द, प्राची, क्षीण, वाम या शीण। तो देखिए, इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, दक्षिण का होता है आपका उत्तर, जैसे पूरब का पश्चिम होता है, पूरब का पश्चिम, तो उत्तर का दक्षिण। चलिए नेक्स्ट है, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना के लिए एक शब्द क्या होगा। जैसे कि आजकल आप शेयर में या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही पूछा है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निवेश, विनिवेश, अनुवेश या उपनिवेश। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निवेश कहा जाता है। फिर आता है, शब्दों में से तद्भव
शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, उलूखन, ओझा, ओष्ट या उष्ट्र। तो देखिए, देखते ही पता चल रहा है जिसमें आपका इस तरीके आदर्श आता है ज़्यादातर वो आपके तत्सम होते हैं। तो उष्ट्र और ओष्ट तो गया, उलूखन नहीं होता, ओझा बचा है, आपका ओझा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा। ठीक है, ओष्ट बोलते हैं हम होट को, ठीक है, उलूखन होती है आपकी ओखली, ठीक, और उष्ट होता है आपका ऊँट। नेक्स्ट पूछा आपसे ऊन का तत्सम क्या होगा, ऊन, उण या उच्च या उत्खल। तो 13 का होगा, ऊन को बोला जाता है ऊन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शब्दों में से बाण का पर्यायवाची नहीं है। इसे पूछा है कि बाण के चार में से तीन इसमें पर्यायवाची है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो आपका नीरद। नीरद किसका है, नीरद होता है आपका बादल, मेघ, जो वर्षा लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, सॉरी 15 रह गया। कुंज का पर्यायवाची पूछा है, कुंज, उपवन, बलवा, फूल या बारिश। तो देखिए, कुंज का पर्यायवाची होता है आपका उपवन, बगीचा। ठीक है, चलिए गगनचुंबी में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो देखिए, गगनचुंबी होता है गगन को चूमने वाला, तो यानी कि तत्पुरुष समास होगा इसमें। ठीक है, फिर आता है शुद्ध वर्तनी सेलेक्ट कीजिए, यानी कि ये शब्द दे रहे, चार शब्द हैं, इसमें से सही शब्द कौन सा है, सही स्पेलिंग पूछिए आपसे। तो इसमें जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित। ठीक है, अत्युष्म 18 है, अत्युष्म में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो देखिए, पहले संधि करिए इसकी, तो इसकी जो संधि होगी अति ऊष्म की, अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो आप इसे एकदम कर पाएंगे। इसका होता है अति प्लस ऊष्म, तो यानी ई प्लस ओ। तो इसके अंदर जो संधि, आप जितना अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो इतना करने पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर आपकी यण संधि है। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द जिसके रूप, लिंग, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं होता है। तो यानी विकार नहीं है, यानी कि चेंज नहीं होता है, वो कौन से शब्द होते हैं जो कि जिसका मतलब एक कोई ऐसे शब्द जिसका किसी भी लिंग में आप यूज़ कीजिए नहीं बदलेगा, किसी भी वचन में यूज़ कीजिए नहीं बदलेगा, किसी भी पुरुष में कीजिए नहीं बदलेगा, कारक मतलब तक किसी चीज़ में जो शब्द है उसे किसी भी फॉर्मेट में आप यूज़ करिए वो चेंज नहीं होगा, तो उनको हम बोलते हैं अव्यय। फिर आपका है एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, उसे आप पढ़िए और फिर इसका आंसर कीजिए। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर भी वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, जब कभी इसका विकास हुआ तब एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, यानी कि ये वीरता से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन पहला पूछा है कि वीरता हमेशा कैसी होती है। देखिए, अभी पढ़ा था हमने, वीरता हमेशा नई और निराली होती है। वीरता एक प्रकार का अंत है प्रेरणा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, 20 और 21। 22वां है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवि की स्त्रीलिंग ही पूछा गया, और ज़्यादातर जो आपके सामने ऑप्शन आते हैं वो यही आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मात्राओं का हेरफेर हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कवि का होता है ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री। नेक्स्ट है, किस शब्द का हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। विधियाँ हो सकता है, महिलाएं होता है, बिल्कुल होता है, माताएं भी होता है, क्षमाएं नहीं होता है। क्षमा को आप किसी भी वचन में, दो आदमियों को क्षमा किया, 10 आदमियों को क्षमा किया, 1 आदमी को क्षमा किया, यानी कि देखिए समान चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ क्या होगा। तो देखिए, संदेह हो रहा है तो क्या होगा, संदेह हो रहा है तो देखिए डायरेक्ट अंत दिया हुआ है, संदिग्ध वर्तमान होगा।
सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, तीन होंगे एक नहीं होगा। कुबेर सोम बिल्कुल होता है, यम सोम कहा जाता है, चंद्रमा सोम होता है, शिव नहीं होता। शिव का पर्यायवाची सोम नहीं होता। अब देखिए 26 से आपके 26 से और 50 तक आपकी मैथ्स होगी, आप खुद सॉल्व कीजिए। प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आप पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्मेट बना के डाल दूंगा, आप ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिए लिंक पर और डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो अगर आपने ये स्टैटिक का पोर्शन है, डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि ज़्यादातर डेज पूछ लिया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए महीने में कम 15 से 20 इंटरनेशनल नेशनल डेज पढ़ते हैं, इतने याद नहीं होते, तो आपके क्वेश्चन कम करने का ये एग्जामिनर ने नया तरीका ढूंढा है, वो डेज दे देता है। डेज ऐसा नहीं है कि फादर्स डे पूछ लिया, मदर्स डे पूछ लिया, पेंसिल डे, पेन डे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेशनल और इंटरनेशनल डे, जो जैसे HIV डेज कब होता है, एड्स डे कब होता है, अब जैसे ये पूछा लिटरेसी डे कब होता है, ठीक है, योगा दिवस, इस तरीके से इंपॉर्टेंट वो जो मेन मेन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पूछा आपका कि साक्षरता दिवस लिटरेसी डे कब होता है, तो आपको होता है 8 सितंबर, हर साल की 8 सितंबर को आपका नेशनल वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, यानी तीन किताब सरोजिनी नायडू जी द्वारा लिखी गई हैं और एक नहीं है, द ब्रोकन वेल लिखी हुई है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, और द बर्ड ऑफ टाइम इनके द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 52 का, द गोल्डन बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1946 का प्रत्यक्ष कार्रवाई डे दिवस, यानी कि इंग्लिश में बताऊं तो शायद ध्यान आएगा आप लोगों को, डायरेक्ट एक्शन डे, मोहम्मद जिन्ना द्वारा दिया गया था अलग राज्य और अलग देश बनाने के लिए, ठीक है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, वो 16 अगस्त 1946 ही है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये था मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? डायरेक्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शाह, इन्हीं से नादिर शाह कोहिनूर लेकर चला गया था, इसी से पिकॉक थ्रोन लेकर मयूर सिंहासन ले गया था, और ये मोहम्मद शाह आराम से बैठे हुए अपना तमाशा देखते रहे। तख्ते ताउस या कहा जाता है जिसे पिकॉक थ्रोन, ठीक है, वो कहा जाता है कि वो पूरा कंप्लीट सोने चांदी से बना हुआ था, और उसके अंदर पूरा हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महंगे हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए थे, और कोहिनूर भी और पिकॉक थ्रोन दोनों नादिर शाह लूट कर ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? देखिए आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी गोलमेज 3 सम्मेलन हुए थे 30, 31, 32 में। इसे पूछा है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से भाग लिया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई एग्जाम से पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो थी आपकी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये इसको गांधी जी बीच में छोड़कर आ चुके थे, मतलब ये सेकंड में गए थे लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी, तो महात्मा गांधी जी वापस से इस सम्मेलन को बीच में छोड़कर आ गए थे, और तभी चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर की उपाधि प्राप्त दी थी, ठीक है। फिर आता है, फरवरी 1928 भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, तो देखिए फिर, या फिर सी अध्यक्ष सर जॉन साइमन कमीशन बहुत अलोकप्रिय था, या मोंटागो शेमफोर्ड द्वारा असफल हो गए थे। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि इसके अंग्रेज, सभी सदस्य अंग्रेज थे, साइमन कमीशन का विरोध हुआ जिसमें लाला लाजपत राय जी की लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
साइमा कमीशन के द्वारा थे। वो उसका विरोध इसलिए ही किया गया था क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे और हम इंडियंस के लिए लाया गया था और हम इंडियंस को ही इसके अंदर जगह नहीं दी गई थी, इसलिए हम भारतीयों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है कौन सा, यानी इसमें एक तीन सही है एक गलत है। चिकन उद्योग, बिल्कुल। देखिए चिकन वो खाने वाला चिकन नहीं है, चिकन कढ़ाई वाला चिकन है ये। चिकन कढ़ाई मतलब जो चिकन और जरी का काम होता है, सूट पर जो चिकन का काम होता है ना, उसके बारे में। चिकन उद्योग लखनऊ। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में नहीं होता है, चूड़ी उद्योग आपका होता है फिरोजाबाद में। ठीक है, कालीन भदोही ताला अलीगढ़, सारे सही है, यानी इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चूड़ी उद्योग होगा। नेक्स्ट आता है, फिर से देखिए मैं पूछ लिया कि कौन सा इसमें से सही नहीं मैच है। आला बुंदेलखंड, बीरा पूर्वांचल, चैती रोहेलखंड, कजरी अवध। तो देखिए इसकी भी मैंने आपको कंप्लीट कराए थे जब मैंने UPGS आपको पढ़ाई थी, तो आर्ट एंड कल्चर में अपने अलग से वीडियो ली थी, पूरा घटना चक्र से पूरी UPGS कंप्लीट की है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है और UPGS पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर घटना चक्र यूपी की प्लेलिस्ट, आप उस पर जाकर पूरी की पूरी यूपी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर भी आई थी और हमने जो 700 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी और हमने कंप्लीट की थी, 650 प्लस क्वेश्चन थे उसमें। तो अगर आप उसके अंदर भी ऐसे ऐसे यूपी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, जाइए पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे यूपी से, उसमें ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन बाहर हो। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि जो नृत्य हैं चैती चैती कजरी बिरहा और आला, इसमें से कौन सा गलत है, यानी कौन सा मैच द फॉलोइंग गलत है। तो देखिए इसमें चैती, ये चैती जो है आपका चैत्र माह में होता है और आपका रोहेलखंड में नहीं, ये आपका होता है ईस्ट यूपी में। ईस्ट यूपी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट एक साथ कहाँ कर मिलते हैं। देखिए इसके ऊपर ही मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी जब मैंने आपको ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको कंप्लीट कराई है, रिवर्स भी कराई थी, इसमें रिवर्स माउंटेन्स घाट्स वगैरह ये सारी कंप्लीट कराई थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, इधर ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, जहाँ ये दोनों आके मिलते हैं, इधर से ईस्टर्न घाट इधर से वेस्टर्न घाट, इस एरिया को नीलगिरी एरिया बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत पर आकर मिलते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम और पूर्वी घाट किस जगह मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं। देखिए मैंने आपको ये सारा GS, तो देखिए अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं ज्योग्राफी की और यूपी की, बाकी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए पॉलिटी वगैरह मैंने नहीं पढ़ाई है, आप ज्योग्राफी और UPGS से एक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर आपको सारी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी विद मैप। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिए फिर से GS का उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया, वहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट बताया था जब मैंने आपको लूनी नदी पढ़ाई थी। देखिए नर्मदा आपकी अरब सागर में गिरती है, तापी आपकी अरब सागर में गिरती है, मांडवी गोवा, जिसके ऊपर आपका दूध सागर, आपका दूध सागर वाटरफॉल यानी झरना स्थित है गोवा में, तो वो मांडवी नदी है। ठीक है, तो देखिए ये सारी की सारी नर्मदा तापी और मांडवी ये तीनों नदी आपकी अरब सागर में मिलती गिरती हैं। लूनी नदी आपकी रन ऑफ कच्छ गुजरात, जिसे रण कच्छ का रण बोलते हैं, उसमें ये नदी सूख जाती है। नेक्स्ट 61, इसे पूछा है किस अनुच्छेद ने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 19, 20, 21, 22। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद आर्टिकल 21। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 किस वर्ष में जारी की गई, विंडोज 10 पूछा है कब लॉन्च की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर बी 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन से हैं। देखिए कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा तो आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पता होंगे, तो इनपुट डिवाइस में
प्रकाशीय पेन, स्कैनर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या प्लॉटर। तो देखिए, ये आपके पेन, स्कैनर, OCR तीनों आपका इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है, मैच द फॉलोइंग का पूछा है, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, बिल्कुल सही है। विटिकल्चर अंगूर की खेती, बिल्कुल सही है। ओलेरिकल्चर फूलों का उत्पादन, नहीं। फलों के उत्पादन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक है, जो इनके खेती को बोलते हैं उसे पोमोलॉजी बोलते हैं। और ओलेरिकल्चर किसे बोलते हैं, ओलेरिकल्चर होता है हमारा जब सब्जी की खेती होती है उसे हम बोलते हैं ओलेरिकल्चर। पिस्सीकल्चर आपका मत्स्य पालन यानी फिश। नेक्स्ट है सुंदर, हाँ देखिए इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग है, इसमें कौन सा गलत है आपसे वो पूछा गया है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, बिल्कुल सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, बिल्कुल सही है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नहीं, ये हासन में नहीं है, ये आपका गुजरात अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। देखिए फिर आता है, राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य को, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो गवर्नर को किसके डिसीजन पर या किसके सुझाव से आपका राज्यपाल नियुक्त करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यानी ये पूछा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना उस समय इसमें कितने आर्टिकल थे। तो आपको पता है उस टाइम 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, और आपका पार्ट्स कितने थे, पार्ट्स आपके 22 थे। अब 12 शेड्यूल हैं, 25 पार्ट हैं। आर्टिकल आप गूगल पर से चेक करके देख लीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा कि कितने हैं, क्यों, क्योंकि देखिए अगर कोई अमेंडमेंट आ जाता है तो एक आर्टिकल बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा आपसे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए ये नॉर्मन ई बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक, और भारत के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वो बोला जाता है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP बढ़ता है, ठीक है। चलिए भाई सीधी सीधी बात है, जैसे देश का विकास होगा तो GDP बढ़ेगी, वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। नेक्स्ट पूछा है, अगर पानी को यानी जल को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर इसका आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को, यानी कि जब आप पानी को 0 से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या कोई भी चेंज नहीं होगा, आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब आप इसे 0 से 4 डिग्री के बीच को जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा घटता है, जब आप 0 से 4 की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन पूछिए आपसे, तो क्या होगी, ग्रेफाइट लकड़ी का कोयला, काजन या फिर डायमंड। तो देखिए आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आपकी हीरा यानी डायमंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने विषाणु यानी वायरस की खोज की है, ये पूछा है। तो वायरस की खोज आपकी इवानोविस्की ऑप्शन नंबर बी ने की, ठीक है। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती यानी साइक्लोन तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था, तोकते साइक्लोन। तो अगर आप करंट पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा, नहीं अगर आपको पता तो बता दूं, इसका आंसर अरब सागर, तोकते अरब सागर से साइक्लोन उठा था।
नेक्स्ट फिर करंट से पूछा है कि ओलंपिक खेलों के बारे में तो कौन सा सुमेले दिन कौन सा मैच ऑफ द फॉलोइंग गलत है। तो देखिए 2024 के पेरिस में होने हैं, बिल्कुल सही है। 2028 के आपको लॉस एंजलिस यूएसए में होने हैं, बिल्कुल सही है। 32 वाले ब्रिस्बेन में, बिल्कुल सही है। 2020 रोम, नहीं ये तो देखिए अभी ये तो सबको ही पता होगा, 2020 जो कि 2021 में हुए थे। क्यों? क्योंकि 2020 में कोरोना ओलंपिक खेल रहा था, तो इसलिए 2020 वाले 2021 में कराए गए थे, ठीक, जिसमें अपने नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए, तो ये रोम में नहीं हुए थे। अब देखिए अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप खुद सोच सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। रोम नहीं हुए थे, ये हुए थे आपके जापान के टोक्यो शहर में, ओलंपिक टोक्यो, ठीक है। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त किया है? देखिए करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी हाईलाइट रहा था, तो चीन को WHO ने बोला है कि चीन अब बिल्कुल मलेरिया मुक्त हो चुका है, यानी अब कोई केस मलेरिया का, यानी पूर्ण रूप से चाइना से मलेरिया ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ से 76 से और 100 तक आपके ग्रामीण के क्वेश्चन होंगे, ग्रामीण परिवेश के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सोशल ग्रुप किन आधारों पर निर्मित होते हैं, यानी सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? लोगों की आपसी संबंधों की चेतना, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतः संबंध, ए और बी दोनों, या दो से अधिक एकत्रित होना। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि देखिए वो आपसी संबंध और चेतना दोनों की है, ठीक है, और अधिक के बीच जो अंतः संबंध होते हैं वो सोशल ग्रुप का एक निर्मित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है आपसे, अंतः समूह और बाह्य समूह की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है, भविष्य पर आधारित होती है, जन्मजात होती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतः समूह और बाह्य समूह की जो प्राकृतिक काल्पनिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए कुछ शब्द हो सकता है, मैं ये प्योर हिंदी में लिखे हुए हैं तो शायद देखिए कुछ शब्दों का प्रोनंसिएशन मेरे से सही से ना हो पाए, तो इसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब हम परिवार को जब हम किसी परिवार को व्यक्ति के एक संगठित या गठित समूह के रूप में देखते हैं तब तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था, कल के क्वेश्चन पेपर में भी, यानी कल के टेस्ट पेपर में भी ये था। तो जब हम परिवार के व्यक्ति को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम समिति बोलते हैं। समिति के ऊपर तीसरे टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ डिटेल में देखी थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, स्वतः विकास, या अनिवार्य उद्देश्य? तो इसका आंसर होगा आपका विशिष्ट उद्देश्य के अकॉर्डिंग, मतलब कोई समिति संबंध वो कोई समिति होती है तो उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिसे हम समिति कह लीजिए या आप इसे संघ भी कह सकते हैं, जैसे कोई शादी वगैरह हो गई, कोई फंक्शन हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था, ठीक है, तो राजनीतिक दल, बाजार, मजदूर संघ, या गैर सरकारी संगठन? तो इसका आंसर होगा आपका बाजार, सामाजिक संस्था। क्यों? क्योंकि देखिए बाजार जब आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर समूह दिखता है आपको, ठीक है, जो बाजार को नियंत्रण और उसका जो उसका एक तो नियंत्रण करता है वो उदाहरण, मतलब कि जब आप बाजार जाएंगे तो बाजार को नियंत्रण या संगठन अक्सर विशेष सामूहिक समूह या वर्गों द्वारा किया जाता है, जैसे आलू वाले आलू का एरिया, प्याज वाले प्याज का एरिया, यानी कि एक उनका एक छोटा सा समाज और संस्था है। संस्था ये वैसे रजिस्टर्ड संस्था नहीं, एक सामाजिक संस्था होती है जो अपने आपके आसपास के इलाकों की, मतलब आसपास जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास की होती है। जैसे आप किसी मोहल्ले में रहते हो तो आपके मोहल्ले के जो आपके लोग होंगे, आप जिनसे आपके हाय हेलो होगी, आपके संबंध होंगे, वो भी एक तरीके से आपकी सामाजिक संस्था हो जाएगी, ठीक है। राजनीतिक दल नहीं होंगे, मजदूर संघ नहीं, ना ही कोई गैर सरकारी संगठन हो, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट आता है, निम्न से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? सामुदायिक भावना, अहम की भावना, संस्कृत, वैविध्य या आत्मनिर्भरता, इसमें से कौन सा आपका नहीं होगा? तो देखिए इसमें संस्कृति, सांस्कृतिक वैविध्य नहीं होगा इसका आंसर। बाकी सारे आपके सामुदायिक भावना, अहम की भावना, आत्मनिर्भरता समुदाय की प्रॉपर्टी है यानी तत्व है। फिर आता है किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है, यानी ये पूछा जो पंचायत की संस्था है ठीक वो किस समुदाय में आज भी अस्तित्व में है, तो मुस्लिम, जनजातीय या हिंदू। तो देखिए ये सारी की सारे हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी और जनजातीय समुदाय में भी पंचायत की संस्था अस्तित्व में है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में कौन सा एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके समाज के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर उसका कोई फॉलो ना करे तो एक दंड के भागीदार होगा। तो प्रथाएं, देखिए अगर सबकी अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं उसके लिए हम किसी को दंड नहीं दे सकते, कोई फॉलो करता है कोई नहीं फॉलो करता। विचारधाराएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिट विचारधारा वाले आपस में एक दूसरे के ऊपर केस कर दें या दंड का प्रावधान कोई करवाएं, बिल्कुल नहीं। लोक रीतियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, कोई फॉलो करें ना करें सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी इच्छा। लेकिन लोक आचार, लोक आचार आपका एक डिसिप्लिन समझिए आप इसे। अगर आप चोरी करते हैं तो संपूर्ण समाज के लिए गलत है, अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो वो संपूर्ण समाज के लिए ठीक, अगर आप कोई हेरा फेरी करते हैं तो संपूर्ण समाज के लिए गलत है। यानी लोक आचार इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप उसका अगर आप वो सही नहीं रखते या उसका उल्लंघन करते हैं लोकाचार का, तो आप हर कोई चाहेगा कि आपको सज़ा मिले। कहीं आप चोरी करोगे तो आप सब लोग यही चाहेंगे इसने चोरी की है तो आपको सज़ा दी जाए। ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, शक्ति को, प्रतिष्ठा को या संपत्ति को। तो देखिए असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण किसके मतलब किस तथ्य के असमान वितरण को, तो देखिए स्तरीकरण शक्ति के आधार पर भी होता है, कोई कम पावर रखता कोई ज़्यादा ठीक है। प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है, संपत्ति ये भी इसी के आधार पर भी होता है, प्रतिष्ठा के आधार पर भी होता है, कोई हाई वैल्यू हाई रेस्पेक्ट, लो वैल्यू लो रेस्पेक्ट, बिल्कुल सही है। अब यह तो नहीं कि जो इज्जत प्रेजिडेंट को मिलती है प्रतिष्ठा वही हमें भी मिलती है, बिल्कुल नहीं होता ठीक है। संपत्ति देखिए बहुत डिफरेंस होता है, शक्तियों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि जो एक गवर्नर के हाथ किस में शक्तियाँ होती हैं वो एक आम आदमी के हाथ में होती हैं ठीक है। तो यानी टोटल सारी। नेक्स्ट होता है कि जन्म पर आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है, जन्म पर आधारित, आश्रम व्यवस्था नहीं जन्म पर आधारित नहीं होती है, वर्ग व्यवस्था बिल्कुल नहीं, वर्ग मतलब यहाँ पे काम धंधे से ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाई का बेटा नाई ही बन रहा है, आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, कूड़ा उठाने वाला का बेटा कूड़ा उठाने वाला बन रहा है, नहीं ना। तो वो ये वर्ग व्यवस्था तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। जाति व्यवस्था बिल्कुल सही, अगर आपने किसी जाति में जन्म लिया है तो आपके ऊपर उसी जाति का टैग लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज आप जनरल कैटेगरी आज आप स्वर्ण बन के कैटेगरी तो अलग चीज़ हो गई कि आज आप त्यागी हैं, कल को आप शर्मा हो जाएंगे, परसों को आप ब्राह्मण, परसों को आप त्यागी से थक गए शर्मा से थक गए, परसों को आप निकल गए कि भाई मैं तो जो है अपने आगे नाम के आगे चौधरी लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं है ठीक है। तो वो आपके जन्म पर आधारित है, तो यानी 85 का होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है प्रजाति रेस, देखिए प्रजाति रेस वो है आपके जो एक तरीके फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं ठीक, रेस तो क्या होगा, एक जीव वैज्ञानिक और एक मानव शास्त्रीय, बिल्कुल सही होगा, एक मानव शास्त्रीय शब्द नहीं, एक सामाजिक समाज शास्त्रीय नहीं बिल्कुल नहीं है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वैज्ञानिक भी है, रेस जो होता है ये बाइक रेस या कार रेसिंग नहीं, रेस प्रजाति है जो अपनी रेस है एक तरीके से, तो वो एक जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्रीय है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा।
87 संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक आपका प्रतीक होता है। सड़कें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, आवाज भी कोई लॉजिक नहीं है, इन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं होता, संस्कृति का प्रतीक होता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति कुछ फॉलो करता है, कोई व्यक्ति अलग फॉलो करता है, ठीक है, तो व्यक्ति तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बचा आपका ए प्रतीक। 88 आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, पूछा है कि भारत भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, वर्ग, प्रजाति, जाति या धर्म। तो देखिए इसमें आपका वर्ग नहीं है सांस्कृतिक में, प्रजाति बिल्कुल सही, जाति भी होगा, धर्म भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सांस्कृतिक विविधता पूछी है, तो वर्ग तो कोई इसका कोई लेना देना ही नहीं है। प्रजाति अलग रेस के अलग कल्चर होते हैं, अलग सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, हर धर्म के अलग होते हैं, मुस्लिम धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म के अलग हैं, सिख के अलग हैं, पारसी के अलग हैं। जाति, अब देखिए एक धर्म की बात करेंगे तो कुछ जातियों में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जो कल्चर एक राजपूत फॉलो करता है वही कल्चर एक गुर्जर करेगा, वही कल्चर एक जाट करेगा, वही त्यागी करेगा, वही शर्मा करेगा, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यानी विविधता तो है, सांस्कृतिक विविधता है। तो बचा क्या ऑप्शन? वर्ग। वर्ग होता है आपके कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, जिसमें ऋग्वेद में भी जो आपके ऋग्वेद है, चार वेद में से सबसे पुराना वेद, दुनिया का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें जो आपकी वर्ण व्यवस्था दी गई है वो भी आपके कर्म के आधार पर है, ना कि जाति के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वर्ग होगा इसका। 89 पूछा, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? आदिम प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, निर्धनता और अज्ञानता नहीं, सॉरी यही होगा, निर्धनता और अज्ञानता। सामाजिक परंपराएं नहीं है, नातेदारी नहीं होगी, मेन चीज़ जो होती है आपकी निर्धनता और अज्ञानता। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप शिक्षा भी ले सकेंगे, जब शिक्षा लेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आप अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो पिछड़ेपन का एक तरीके से यही पूछा है कि पिछड़ेपन का क्या है, तो देखिए पिछड़ेपन का है आपका अज्ञानता और निर्धनता। ठीक है, 90 पूछा आपसे, राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में किसके बंटवारे से है? धन के बंटवारे से है, धर्म के रूढ़ियों से, या शक्ति के बंटवारे से है? तो भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार जो है वो शक्ति के बंटवारे से है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, ठीक, यानी कम्युनिटी कंट्रोल, शायद यही बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, क्योंकि देखिए मुझे ग्रामीण परिवेश इंग्लिश में कहीं नहीं मिला, तो मैंने जो पढ़ा है वो भी हिंदी से ही पढ़ा है, इसलिए इनका प्रोनंसिएशन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ का मिला मुझे वो मैं बताता चलता हूँ, कुछ का नहीं मिला तो मैं उन्हें एज इट इज़ ही बताता हूँ। ठीक है, या मैंने खुद भी तैयार किए हैं तो मैंने भी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके किए हैं। तो 91 आपसे पूछा है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, औपचारिक नियमों और नियमवालियों से, या अनौपचारिक नियमों व नियमवालियों से, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा आपका ए और बी दोनों, औपचारिक नियमों से भी और अनौपचारिक नियमों से भी। कैसे? देखिए औपचारिक नियम यानी कि आप देखिए कुछ रूल्स लगे हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, जैसे कोई काम आप गलत कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो आपको पुलिस लेकर जाएगी, वो एक औपचारिक है। जैसे पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, पुलिस व्यवस्था हो गई, अंतर्राज्य व्यवस्था हो गई, जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, वो एक औपचारिक साधन है। ठीक, और अनौपचारिक ऐसे हो गए, जैसे आप धर्म हो गया, आपकी कोई लोक रीतियाँ हो गई, आपके रीति रिवाज हो गए, वो एक अनौपचारिकता है। ठीक, वो आप तक आपके लिए हैं और आप तक कहीं आप तक ही सीमित है, आप तक ही सीमित हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि आप जो फॉलो कर रहे हैं वो दूसरा ही फॉलो करे, नहीं करेगा तो आप उसके लिए कोई प्रावधान निकाल लेगा कि उसको सजा देगा, नहीं, वो एक औपचारिक नियम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो सामाजिक नियंत्रण है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, यानी जो समाज में परिवर्तन होता है उसका अवरोधक नहीं है, पूछा है। तो परंपरावादिता,
जड़ता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा या निहित स्वार्थ? तो देखिए, आर्थिक प्रतिस्पर्धा अवरोधक नहीं बनती है, बाकी जो चीज़ें हैं आपकी कहीं ना कहीं परिवर्तन के अवरोधक हैं। देखिए, जब परंपरावादिता, कुछ चीज़ें आपको ऐसा है कि आप करना चाहते हैं लेकिन आपकी परंपरा शायद आप नहीं कर पाएँ, परंपरा की पीढ़ियों में जकड़े रह जाएं। ऐसा नहीं कि मैं इनको निगेटिव ऑब्लिगेशन दे रहा हूँ आपके लिए कि गलत है, नहीं, ज़रूरी नहीं है गलत है। आपकी परंपराएं, हर व्यक्ति की अलग परंपरा होती है, हर समाज की अलग परंपरा होती है, हर धर्म की अलग परंपरा होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपको या समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। जैसे ये अब कोई आप ये समझ लीजिए, जैसे सती प्रथा हुआ करती थी पहले, तो देखिए सती प्रथा गलत थी, वो एक अच्छे खासे महिला को आग पे बिठा दिया जाता था जिंदा, तो देखिए वो चीज़ गलत थी, बिल्कुल गलत थी, तो उसे रोका गया। वो एक परंपरावादी सोच थी कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। ऐसा नहीं है कि जितना भी पूर्वजों ने बोला है वो सारा गलत बोला है, ठीक। लेकिन वो भी एक, जैसे सती विधवा रीमैरिज, विधवाओं का द्वारा, विधवा को एक अपशगुन मानते थे, वो एक धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, तो ये चीज़ें नहीं थी, तो नहीं, एक परंपरावादिता थी, जड़ था, सेम इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है सब कुछ। आर्थिक प्रतिस्पर्धा ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी, क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग होगा कि मैंने 100 रुपये कमाए हैं, आप उसमें कुछ है, लेकिन जैसे ही आपको बराबर में पता चलेगा कि बराबर वाले ने 150 कमाए हैं, तो आपके मेंटली एक इस प्रतिस्पर्धा एक कॉम्पिटिशन रहेगा कि इसने 150 कमाए तो कल से मैं भी 120 की कोशिश करूँगा। तो जब आप 100 का काम, पहले आप 100 कमाते थे, अब 120 कमाते, तो यानी आपने या तो ज़्यादा काम किया है, ठीक, तभी आपको पैसे मिला, और आपने काम किया है तो कहीं ना कहीं आपने जो है समाज के लिए काम किया हुआ है। चोरी करने के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे कि कल मैंने 100 रुपये की चैन चुराई थी, आज मैं 120 की चुरा कर, नहीं, काम देखिए, पहले मजदूरी, आपने 100 मीटर की सड़क बनाने के लिए आपको 10,000 रुपये मिले, आपको लगा कम है, आपने कहा कि मैं 150 मीटर बनाऊंगा, तो आपको ने 15,000 लिए, तो यानी आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुई। लेकिन जो आपको मिला वो आपने 100 मीटर की बजाय आपने 150 मीटर की सड़क भी तो बनाई, यानी समाज का परिवर्तन, समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। चलिए, और निहित स्वार्थ बिल्कुल नहीं, तो अवरोधक जो होता है, अवरोधक ये सारे निजी स्वार्थ भी जो है, यानी एक आप जेलस कह सकते हो, जेलेसी कह सकते हो, तो अवरोधक बनेगी, कंप्लीट बनेगी, ठीक। तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा होगी। नेक्स्ट आता है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख है किसे मिलता है? देखिए, मैंने अभी बताया वर्ण व्यवस्था आपकी ऋग्वेद में मिलती है। अब देखिए इस चीज़ को लोगों ने कैसे लिया, लोगों ने ऋग्वेद को, कुछ लोग कहते हैं नेता या जो वोट के लिए आपका यूज़ करते हैं, आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनका कहना है कि ऋग्वेद में आपका जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। तो देखिए ऋग्वेद में जाति व्यवस्था नहीं है, ऋग्वेद में आपकी वर्ण व्यवस्था है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद, और वर्ण व्यवस्था हमेशा कर्म के आधार पर होती है। कौन कौन से 4 वर्ण थे? देखिए पहला तो था आपका, 4 वर्ण थे, 1, 2, 3, 4। पहला आपका क्षत्रिय है, दूसरा आपका ब्राह्मण, तीसरा आपका शूद्र, और चौथा आपका कायस्थ, सॉरी, चौथा आपका वैश्य, ठीक। ये 4 वर्ण हुआ करते थे। अब क्या हुआ, देखिए ऐसा नहीं था कि ये हमेशा आपके जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के, ये ओबीसी कैटेगरी शूद्र अपने आप को एससी, वैसे जनरल ओबीसी, नहीं, ये व्यवस्था नहीं थी। पहले ये था कि जो युद्ध, यानी जो अपना युद्ध में कौशल दिखा सकता है, ठीक, वो क्षत्रिय कहलाता था, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो आज के हिसाब से देखा जाए तो चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी से हो, अगर उसने तलवार चलाना सीखा है और युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय होगा, ठीक। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण जिस व्यक्ति ने भगवान की पूजा अर्चना शुरू की, भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा, तो वो आपका ब्राह्मण, ठीक, चाहे वो किसी भी कुल से हो, किसी भी जाति से हो,
वैश्य, यानी आप एक मार्केट वाले समझ सकते हैं, जो आजकल के जैसे आप अब एक बनिया समाज समझ सकते हैं आज का, ठीक। ये और शूद्र, शूद्र वो हुआ करते थे जो मांस मच्छी का काम किया करते थे, साफ सफाई का काम किया करते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने, देखिए प्राइम सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्योंकि देखिए इन्हें सबसे प्योर माना जाता था कि भगवान के नज़दीक रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा खेल इन्होंने ही खेला। इन्होंने इन्होंने क्या, बल्कि क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य और शूद्र, यह मैं तो इनकी सबको कहूँगा कि जो चारों वर्ण हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, अपने ही बेटों को आगे करना शुरू कर दिया। या क्षत्रिय के हाथ में जब शक्तियाँ आईं लड़ने की भिड़ने की, तो इन्हीं में से राजा बनने लगे, राजा का बेटा राजा बनने लगा। तो वही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपना लिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। लेकिन ऋग्वेद में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोगों ने शुरू करी, या मैं कहूँ कि जो पुराने लोग थे उन्होंने, आप ये कह सकते हैं, ऋग्वेद को सही से नहीं पढ़ा। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक जाति व्यवस्था बनाकर लोगों पर थोप दिया, ठीक। और वही चीज़ आज तक चली आ रही है, ठीक। क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, जन पंडित का बेटा पंडित ही कहा जाने लगा। देखिए वो कुल होता है, वो जाति नहीं होती है, वो सॉरी जाति होती है, वो उनकी कास्ट नहीं, वो वर्ण नहीं होता है उनका। वर्ण हमेशा कर्म के आधार पर निहित रहता है, ऋग्वेद में भी कर्म के आधार पर, ना कि आपकी जाति के आधार पर, ठीक। और धीरे धीरे वही कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एससी भी आज एक आईएएस बनता है, और एक जनरल कैटेगरी वाला भी एक सफाई कर्मचारी बन जाता है, ठीक है। तो देखिए बाकी चीज़ें इतना डिटेल में मैं चला गया, क्यों? क्योंकि देखिए ये आज का एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ, क्यों? क्योंकि जो हमारी पॉलिटिक्स है और जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने समाज को बांट के रखा हुआ है। अगर वो इतना पढ़ लेंगे तो शायद आपको इतना बेवकूफ़ ना बना पाए, या फिर अगर आम जनता पढ़ लेगी इन चीज़ों को, शायद वो नेताओं से बेवकूफ़ बनना बंद कर दे, ठीक। एक दूसरे के धर्म को गाली देना बंद कर दे, एक दूसरे की रीति रिवाजों को गाली देना बंद कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का आधार है जन्म, धर्म, कर्म या सामाजिक संगठन। तो देखिए जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था है वो आपके जन्म से आधार है, ठीक। ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, कभी आप कहो कि मैं, आपने अभी इतना बड़ा चीज़ बताई और फिर आप जन्म, देखिए वो वर्ण है, वो वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है। अगर आप किसी त्यागी के यहाँ पर हुए हो तो आपको त्यागी का ही टैग मिलेगा भारत सरकार द्वारा। अगर कोई शर्मा जी हैं तो उनका लड़का शर्मा ही रहेगा भारत सरकार के द्वारा, उसे जाति भी शर्मा ही लिखी जाएगी। ये वो चीज़ पूछी गई है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जजमानी व्यवस्था पाई जाती है शहरों में, गांवों में, कस्बों में, जनजातियों में। तो देखिए भारतीय गांवों में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल अध्यक्षता, देखिए कमीशन पूछा है ये, मंडल कमीशन, ठीक। मंडल कमीशन पूछा है कब बनाया गया था, मंडल कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और किस लिए बनाया गया था, ओबीसी के उद्धार के लिए बनाया गया था, ये समझिए आप, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके शैक्षिक और सामाजिक पहचान दिलाने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया था। और बीपी के फुल फॉर्म क्या है, बीपी के फुल फॉर्म है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य, देखिए कार्यक्रम पूछा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये क्या, ये आपका निर्धनता को ख़त्म करना था, यानी गरीबी कम करना था ये कार्यक्रम। और देखिए जितने भी योजनाएं हैं कार्यक्रम, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाएंगी, डायरेक्ट आपसे उनकी डेट पूछी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, 73 अधिनियम किसके लिए है। देखिए क्वेश्चन कल भी आया था कि कल पूछा गया था, यानी टेस्ट नंबर 3 में पूछा गया था कि पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया, आज उसका पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है कि 73 संशोधन से क्या चीज़ हुई है। तो देखिए 73 संशोधन से पंचायती राज हुई है। नेक्स्ट आपका पीएमजी दिशा योजना, दिशा योजना किससे संबंधित है, ये नहीं पूछी किससे संबंधित है, वही पूछे उम्र क्या है उसकी,
तो देखिए, संबंधित तो ये कंप्यूटर शिक्षा से थी, लेकिन कितने से कितने वर्ष के लोगों तक के लिए थी ये पूछा गया। 14 से 60, 8 से 22, 35 से 60 या 18 से 35। तो इसका आंसर आपका 14 से 60 वर्षों तक का। आप कंप्यूटर सीखिए और एक शिक्षित करना था, एक डिजिटल, जो आजकल जो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो लोगों को उसके बारे में ज्ञान देना था। तो 14 से 60 वर्षों तक के लिए इसका मापदंड रखा गया था। नेक्स्ट है, दीक्षा ऐप या दीक्षा पोर्टल किस लिए था? ई लर्निंग के लिए, गरीबी को मुक्त धनराशि, आदिवासी क्षेत्रों में पहल हेतु पोर्टल, या ग्रामीण विकास के लिए पोर्टल? तो देखिए, नाम से ही पता चला दीक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होगा, यानी लर्निंग, ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। ठीक है, इसे शुरू कब किया गया था? ये आपका 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपके नीचे आंसर है। देखिए, मैथ का पूरा सॉल्यूशन है, आप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो हमारा ये टेस्ट 4 कंप्लीट हुआ। तो अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 19 जून को। ठीक है, और देखिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ग्रुप पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, अब कल मिलते हैं टेस्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।